हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है UP SSSC की। UP SSSC नई भर्ती। फार्म फीस के लिए अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये फॉर्म फीस निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 7 अगस्त 2023। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 2023 वालों हो जाओ तैयार। चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस वैकेंसी का अप्लीकेशन 18 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट की, तो 7 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। कम समय में आपको फॉर्म फिलअप करना है। फीस पेमेंट की बात करें लास्ट डेट के लिए, तो फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 7 अगस्त ही निर्धारित की गई है। रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन के लिए वन वीक का अलग से एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। एक हफ्ते में आप करेक्शन कर सकते हैं। 14 अगस्त 2023 तक इसका करेक्शन डेट लास्ट डेट है निर्धारित किया गया है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो इसकी सूचना आप सभी को फिर से वीडियो बना करके मैं दूंगा। अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जनरल OBC EWS 25 रुपये निर्धारित किए गए, और किसी भी कैटेगरी के लिए 25 रुपये ही फॉर्म फीस निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC की इस वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है UP SSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 मेंस एग्ज़ाम। UP SSSC एडवर्टाइज नंबर 0506 एग्ज़ाम अपॉन 2023 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन। UP SSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर ETO नोटिफिकेशन 2023 के एज लिमिट की बात कर लें तो 1 जुलाई 2023 से इसका एज लिमिट लिया जा रहा है। मिनिमम एज की बात करें तो 21 वर्ष, जबकि मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। एड में रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको UP SSSC UPI टेस्टिंग ऑफिसर नेत्र परीक्षक अधिकारी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2023 रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दिया जाएगा। पोस्ट नेम की बात करें तो आई टेस्टिंग ऑफिसर नेत्र परीक्षक अधिकारी, टोटल पोस्ट 157,157। UP SSSC आई टेस्टिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी की बात करें तो UP SSSC पेट 2022 स्कोर कार्ड, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विद साइंस स्ट्रीम। इसके अलावा आपको इसी में डिप्लोमा, नेत्र परीक्षक के लिए डिप्लोमा की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगर इसी वैकेंसी के बारे में हम और अधिक बात करें तो हम आपको बता दें कि ये मेंस एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ। प्री का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। आप सभी को बता दें कि टोटल वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल 157 पोस्ट इसमें निर्धारित किया गया है। अगर हम अलग अलग पोस्ट की बात कर लें कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट निर्धारित किया गया है, तो हम पाते हैं कि जनरल के लिए 110 पोस्ट। जी हाँ, UP SSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 एग्जाम अपॉन 2023 नेत्र परीक्षक अधिकारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो आई टेस्टिंग ऑफिसर ETO के लिए जनरल के लिए जो पोस्ट निर्धारित किया गया है वह 110, EWS के लिए 15, OBC के लिए 30 सीट, SC के लिए कोई भी सीट नहीं है, ST के लिए 2 सीट निर्धारित की गई है। यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल 157 सीट्स हैं। ये आप वैकेंसी डिटेल्स को टोटल देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एट लास्ट।